वो रैली जो यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच रही है, लेकिन उसके साथ अब पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां जो हैं वो भी हो रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको बाकायदा पुलिस के जो एहलकार हैं वो गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। मैं रुकने पे नायब असेंबली हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ ये फस्ताइयत की हुकूमत नहीं चलेगी। आपके ऊपर तशद्दुद किया गया, सबके सामने किया है। अच्छा साहब, ये जबर का दौर कब तक चलेगा अगर आपके साथ ये औरत तमाम का शेर है? एक बात बताऊँ, ये मुस्लिम लीग नून का सियासी जनाजा है, इसको जो जो कंधा दे रहा है, ये इतना भारी जनाजा है ये ज्यादा देर उठा नहीं सकेंगे। ये सिस्टम इसका बोझ नहीं उठा सकेगा। इनको अल्टीमेटली फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे दोस्तों की सीटें वापस करनी पड़ेंगी। जो खवातीन की रिजर्व सीटों पे टाका मारा है वो वापस करना पड़ेगा। आज 44 साल बाद जुल्फकार अली भुट्टो के केस में इन्होंने फैसला दिया है। मेंबर असेंबली है, आप देख सकते हैं मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली के, आपके स्वागत है बात यहाँ पर। और ये आप बिल्कुल रास मना देख रहे हैं बुजुर्ग जो है वो भी उसमें शामिल है। जवेर साहब, मेरा नाम हाफिज फरद अब्बास है, मैं एमपी हूं, मैं चोर डाकू नहीं हूं। ऐसे जो सर जवेर साहब ने मेहनत कर रहे हैं, ये इनकी तस्वीरें और वीडियो बनाओ और ये मेहनत गिरफ्तार किया जा रहा है, यहाँ पर गिरफ्तारियां लाई जा रही है। आज 44 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो केस का फैसला दे रहे हैं और गलती एडमिट कर रहे हैं। क्या इमरान खान को 44 साल लगेंगे इंसाफ लेने के लिए? हाफिज साहब, आपको गिरफ्तार कौन करवा रहे हैं? आपकी गिरफ्तारी कौन करवा रहे हैं? ये आप देख सकते हैं कारकुनान को रसीट के जो है वो लिए किया जाया जा रहा है। पंजाब पुलिस जो है के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को लेके जा रही है। ये गिरफ्तारी जो है वो की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज करते हुए कारकुन जो है एक रैली यहाँ पे पहुंची है। और ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे, और पुलिस भी आ गई है। और ये देख सकते हैं आप, पंजाब पुलिस भी जो है उधर से पहुंच गई है, पंजाब पुलिस भी यहाँ पे पहुंची है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली जो है वो यहाँ पे पहुंची है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़ी देर बाद एक रैली पहुंची है और बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं आप, रैली पहुंची है, पंजाब पुलिस इधर अलर्ट खड़ी है। ये देख सकते हैं आप, पंजाब पुलिस भी आगे पेश कदमी करती हुई आगे बढ़ रही है और यहाँ पे अभी आके रुक गई है मेरे ख्याल से अभी तक जो है वो। ये देखें जी, ये हल्ला बोलने वाले आप ये देख सकते हैं आप, ये गिरफ्तारी की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप ये देख सकते हैं पुलिस ने गिरफ्तारियां जो है वो शुरू कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो यहाँ पे
जो है वो गाड़ियों से निकाल रही है, पंजाब पुलिस गाड़ियों से निकाल रही है, साउंड सिस्टम जो है वो भी कब्जे में जो है वो लिया जा रहा है। ये देख सकते हैं पंजाब पुलिस ने गाड़ियों को घेर लिया है और साउंड सिस्टम बंद कर दिया है और गाड़ियों से जबरदस्ती लोगों को जो है वो निकाला जा रहा है। ये देख सकते हैं ये ड्राइवर जो है भाई, ये देख सकते हैं ये ड्राइवर को निकाला, ये गिरफ्तारी जो है ये देख सकते हैं ये गिरफ्तारी जो है वो की जा रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को लेके जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है जी, आपके सामने लाए मनाजे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान। ये देख सकते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को गाड़ी से उतार के जो है वो प्रिजन वैन में डाला जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये इसके अलावा और भी कारकुनान जो है वो यहाँ पे उनको भी लेके आ रहे हैं, मजीद लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए ये कारकुनान जो है वो गिरफ्तारियां ली जा रही है, देख सकते हैं। ये देख सकते और भी गिरफ्तारियां जो है अमल में लाई जा रही हैं और गाड़ियां खोल के शीशे तोड़ के जो है वो गिरफ्तारियां की जा रही हैं। साउंड सिस्टम जो है वो बंद कर दिया गया और रैली जैसे ही यहाँ पे कोई पहुंचती है तो कारकुनान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। यह देख सकते हैं आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान जो है, ये देख लें ये गाड़ियां खाली पड़ी है यहाँ से कारकुनान को गिरफ्तार। ये देखे जी तशद्दुद किया जा रहा है कारकुनान पे, यार मारो ना यार, मार के रहे यार, गिरफ्तार कर ले यार, मारेंगे खड़े यार, गिरफ्तार करो बस खत्म करो। ये देखे जी अब यहाँ पे तशद्दुद किया जा रहा है कारकुनान पे, हाथापाई हो रही है यहाँ पे कारकुनान और पुलिस के दरमियान। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे घसीट के कारकुनान को बाहर निकाला जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये देखे जी ये आप देख सकते हैं कारकुनान को घसीट के जो है वो लिए जा रहा है। पंजाब पुलिस जो है वो कारकुनान पे तशद्दुद भी कर रही है और ये देखे एक तशद्दुद वाला एक और गिरफ्तारी अमल में आ गई है। ये देख सकते हैं आप, ये कारकुनान बाहर मीडिया को अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, कारकुनान नारे फिर भी लगा रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कारकुनान इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये कारकुनान को गाड़ी के अंदर से कारकुनान नारे लगा रहे थे और ये देखे ये झंडे खोले जा रहे हैं और साउंड सिस्टम वाली गाड़ी जो है वो भी पंजाब पुलिस ने कब्जे में ले लिया। अब और भी जो है ये बताया जा रहा है कि ये सदर जिला कसूर है। ये देख सकते हैं ये कारकुनान जो है ये गाड़ी को रोका जा रहा है और ये देखे ये गाड़ी तोड़ी जा रही है और ये देखे यहाँ पे ये गिरफ्तारी जो है एक और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जा रही है। आप दूसरी तरफ भी जो है वो ड्राइवर को शायद निकाला जा रहा है या दूसरी तरफ जो भी रुकन वहाँ पे कारकुन यहाँ पे मौजूद है वो गिरफ्तारी की जा रही है। ये देख ले, ये देखे कारकुनान गाड़ियों से निकल के जो है वो नारे लगा रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद के नारे। जैसे ही गाड़ी खोली जाती है तो कारकुनान बाहर आते हैं, बाहर आवाज निकालते हैं, बाहर सर निकालते हैं और इमरान खान जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाने शुरू कर देते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है और गाड़ियों से निकाल के कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है और झंडे जो है इस गाड़ी से उतार दिए गए हैं। ये साउंड सिस्टम वाली गाड़ी है नाजरीन और ये पुलिस ने अपनी तहवील में जो है वो ले ली है। अब जो रैली आ रही है उसको जो है वो गाड़ियां
तोड़ के जो है कारकुनान को निकाला जा रहा है। कारकुनान जो है